हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद से ही सैनी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल महिलाओं को 2100 रुपए देने के वादे को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक महिलाओं को 2100 रुपए मिलने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इस योजना पर बड़ा अपडेट दिया है। मोहनलाल बड़ोली ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जल्द ही महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डाले जाएंगे। पीएम मोदी से इस योजना का शुभारंभ करवाया जाएगा और उनसे समय मांगा गया है। हालांकि अब तक पीएम ऑफिस से समय नहीं मिला है। बड़ोली ने बताया है कि अगले महीने तक इसको लेकर समय भी मिल जाएगा। बता दें कि हरियाणा में सरकार का गठन हुए 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान भी सीएम सहित अन्य मंत्रियों के भाषणों में भी इस योजना का जिक्र नहीं किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने की योजना को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना अब तक लागू ना करने पर विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में कुमारी शैलजा ने भी भाजपा सरकार से पूछा था कि महिलाओं को 2100 रुपए कब से मिलेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बयान या सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा करती है।